हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे बीच से एक और अभिनेता हमें छोड़कर चला गया। ये अभिनेता हैं हम सब के चहेते ऋषि कपूर। दोस्तों, ऋषि कपूर अभी 67 साल के ही थे। भारतीय सिनेमा को आज दोहरा झटका लगा है। कल यानी 29 अप्रैल को इरफान खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज ऋषि कपूर का निधन हो गया। 67 साल की उम्र में ऋषि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर की तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही थी, लेकिन कल उनकी तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उनके भाई रणधीर कपूर ने बयान जारी कर कहा था कि ऋषि ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज सुबह 8:45 के करीब खबर आई कि ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में ही न्यूयॉर्क से लौटे थे। वे न्यूयॉर्क में 11 महीना 11 दिन के इलाज के बाद भारत लौटे थे। इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी नीतू सिंह हर वक्त उनके साथ रही थी। 1 साल के इलाज के बाद वे लोग भारत लौटे थे। उसके बाद से ऋषि कपूर की स्वास्थ्य लगभग ठीक ही थी, लेकिन कल यानी बुधवार को उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन आज सुबह खबर आई कि ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ऋषि कपूर ने अपने जीवनी पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था खुल्लम खुला। इस किताब में वे अपनी ज़िंदगी और अपनी फिल्मी करियर के बारे में बहुत कुछ बताया है। इस किताब में उन्होंने अवार्ड खरीद बिक्री का जिक्र किया है। उन्होंने इस किताब के माध्यम से ये बताया है कि एक समय में उन्होंने 10,000 रुपये देकर एक फिल्म फेयर अवार्ड खरीदा था, जो कि यह अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिलना था जंजीर मूवी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।